हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जी हां, आपके लिए महत्वपूर्ण हम वीडियोस लेके आ रहे हैं बिल्कुल फ्री में। 2023 की तैयारी करवाएंगे आप लोग बिल्कुल। इस बार 95% प्लस हमारे साथ चलिए। बोलिए कि सर 95% प्लस गेन करेंगे हिंदी में, बायोलॉजी में। हिंदी बायोलॉजी की तैयारी हम करवाएंगे। नीतीश सर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश की तैयारी करवाने वाले हैं। हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए, आज का वीडियो लाइक टारगेट हम 1000 रखे हैं। हम कहेंगे सर ये 1000 वीडियो लाइक टारगेट क्यों रखे हैं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है ना, जाके डाउनलोड कर लीजिए हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से। वहां पे इसका पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा पूरा पीडीएफ, इसका एकदम अट्रैक्टिव वाला पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जाके टेलीग्राम से इसका पीडीएफ आप तुरंत डाउनलोड कीजिए। कोई भी कहीं समस्या आ रही बिल्कुल कमेंट कीजिए, जो आपको सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है वो भी करिए। हम लोग रस के बारे में पढ़ रहे थे और आज आपका चलने वाला है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा, हास्य रस किसे कहते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार से आ जाए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से करके आने आपको करके आना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं आपके। ये दो अंकों का आपके हिंदी में आता है, कितने अंकों का आता है, दो अंकों का क्लास 12 हिंदी में पूछा जाता है। रस के बाद हम लोग छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे, फिर दोहा को पढ़ेंगे, इधर व्याकरण खत्म कर देंगे। मैंने कल ही मुहावरा पूरा पूरा खत्म किया था, आप लोग मुहावरा पढ़ लीजिएगा, उसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा हूं। टेलीग्राम क्या नाम है, एसकेएम स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस बार यूपी बोर्ड में 95 हिंदी प्लस स्कोर करवाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, वो भी फ्री में तैयारी करवाएंगे। सबसे बोल दीजिए एसकेएम स्टडी आ गया पूरा फ्री में तैयारी करवाने के लिए, हम पैसे रुपए एक रुपए नहीं देंगे किसी को। तो आज का जो मेरा प्यार बच्चों टॉपिक है वो है हास्य रस, या फिर हास्य रस की परिभाषा इसको कह सकते हैं, या फिर हम लोग बोल देते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं, हास्य रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चल देखते हैं कि हास्य रस की एक्चुअली में परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं हास्य रस, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति की परिधान, परिधान मतलब आप देखते हैं उसका पहनाव। बहुत लोग पहनाव देखते हैं अजीबो ढंग का पहनते हैं, अलग अलग कटिंग के साथ पहनते हैं। अब तो पैंट भी ऐसे आ गए हैं जिसमें बहुत सारे कट लगे होते हैं, ऐसा होता है जैसे कि वो चीज फट गई हो, लेकिन वो फटी नहीं होती है बल्कि वो क्या है, एक मॉडल है। क्या है, मॉडल है। तो आपको एक हंसी आती है ना, अरे ये कौन सा मॉडल है भैया, पैंट फटा हुआ है। अब ये चीज बताओ, अगर आपका कोई नया पैंट हो फट जाए, हाँ, तो क्या उसे आप पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, अरे यार फटा पैंट है। लेकिन वही जब मार्केट में वही पैंट 2000 की टांग के बिकती है तो उसी को आप बाई कर लेते हैं, और बाई करके आप क्या करते हैं, पहनते हैं। तो कोई व्यक्ति देखेगा तो आपके ऊपर हंसेगा, तो परिधान यानी कि आपके कपड़े को देख के हंसा, या फिर कोई वचन, बहुत लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसके सुनकर हमें हंसी आ जाती है, या फिर विलक्षण आकृति, यानी कि बहुत लोग ऐसे होते देखते हो कि देखिए छोटे बच्चे हो गए, आप लोग देते देखते होंगे जब बरसात होती है फिर मिट्टी में अपने ऊपर इतनी मिट्टी डाल लेते हैं उनकी आकृति अलग हो जाती है, या फिर उसके कार्य को देखकर आपके हृदय में उत्पन्न हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से हास्य रूप का धारण करता है। यानी कि जब ऐसे कुछ एक्टिविटी जैसे कि व्यक्ति का परिधान, वचन, विलक्षण आकृति और कार्य को देखकर हमारे हृदय में, हमारे दिल में हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। एक पॉइंट में याद कर लीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला, यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है, हास्य रस संभवतः सभी रसों में सबसे सुखात्मक रस होता है। तो आपके भविष्य में अगर आ जाए कि हास्य रस जो होता है यह एक कैसा रस है, तो सभी रसों में जितने भी रस हैं उसमें से सभी रसों में से एक सुखात्मक जो रस होता है यह आपका क्या होता है, हास्य रस होता है। क्या होता है, हास्य रस होता है, ठीक है। हास्य रस का उदाहरण क्या है, बस इतना लिख देंगे आपका दो अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा आपका दो अंक, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, दो अंक आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा और आराम से आप छाप के आएंगे दो अंक, ठीक है ना, कितना दो अंक। तो यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, मातहि पितहि उरिन भई नीके, मातहि पितहि उरिन भई नीके, गुरु गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, मातहि पितहि उरिन भई नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ी
जी की। तो ये आपका क्या है, यह हास्य रस का उदाहरण है और मैंने ऊपर हास्य रस की परिभाषा के बारे में बताया और काफी सिंपल तरीके से बताया है। जहां बिना समझा बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए। कहां पे? skmstudyclasses.com, जो skmstudy टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप skmstudyclasses.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके लिए बनाया गया है, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, www.skmstudyclasses.com। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।